great woman leader of India, Mrs. Sushma Swaraj ji. Sushma Swaraj was a gifted speaker. Her oratory skills mesmerized the audience. Her speeches laced with her wit, she took on her opponents. She was a great politician and a Supreme Court lawyer. She served as the Minister of External Affairs of India in 2014 to 2019. 14th February is her birthday. My today's presentation is a humble tribute to a great woman leader of India. आज मैं इस मंच से सभापति जी पाकिस्तान के सियासतदानों से यह पूछना चाहती हूँ कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ आजादी मिली थी, पर ऐसा क्या है जो आज भारत की पहचान आईटी सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की एक दहशतगर्द मुल्क एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसका एक ही कारण है, पाकिस्तान का आतंकवाद। हम पाकिस्तान का आतंकवाद का सामना करते हुए भी विकास के पथ पर अग्रसर है। हमने आईआईटीज बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज टेक्नोलॉजी। हमने आईआईएम्स बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया, आपने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों को बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। और आपके आतंकवादी संगठन न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी आतंकवाद फैला रहे हैं। जय हिंद। धन्यवाद।